मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम का अलग अलग रूप देखने को मिल रहा है। जहां एक ओर लगभग जिलों में तेज बारिश का दौर जारी है, वहीं कुछ जिलों में तेज धूप की मार भी झेलनी पड़ रही है। धार, अलीराजपुर और रतलाम जैसे जिलों में तेज बारिश का सिलसिला चल रहा है, जबकि बड़वानी, मांडू, झाबुआ, राजगढ़ और बैतूल में बिजली के साथ बारिश देखने को मिली है। मौसम वैज्ञानिक बी एस यादव बताते हैं कि फिलहाल अरब सागर से उत्तरी छत्तीसगढ़ की ओर एक लोअर सिस्टम बन रहा है। ये मौसम में बदलाव की बड़ी वजह बन सकता है। साथ ही कश्मीर की ओर से भी एक दबाव उठ रहा है, जो अरब सागर में जाकर मिल रहा है। इससे प्रदेश के कई जिलों में अगले 24 घंटे के दौरान तेज बारिश का असर देखने को मिल सकता है। गुरुवार को प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसमें अलीराजपुर, नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा और मंडला जैसे जिले शामिल हैं, जहां गरज चमक के साथ तेज बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। इस अलर्ट से स्थानीय प्रशासन को भी तैयार रहने की सलाह दी गई है, ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके। मौसम विभाग ने अन्य जिलों में भी तेज बारिश की संभावना जताई है। इनमें बड़वानी, धार, झाबुआ, खरगोन, बुरहानपुर, देवास, पांढुर्णा, बालाघाट और डिंडोरी जैसे जिले शामिल हैं। इन जिलों में मौसम के मिजाज की वजह से अगले कुछ दिनों में भारी बारिश का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ ही किसानों को भी अपनी फसलों को सही रखने के लिए सतर्क रहने की सलाह दी गई है। दरअसल ज्यादा बारिश फसलों को नुकसान पहुँचा सकती है। मानसून की वापसी के साथ दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में अगले दो दिन तेज बारिश की संभावना जताई गई है। खास तौर पर अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा, बैतूल और छिंदवाड़ा जैसे जिलों में इसका असर देखने को मिल सकता है। इस दौरान मौसम विभाग ने सतर्क रहने की सलाह दी है, ताकि किसी भी प्राकृतिक आपदा से बचा जा सके। तेज बारिश स्थानीय स्तर पर कई परेशानी पैदा कर रही है। इसमें से सबसे आम है जलजमाव, बिजली की कटौती और परिवहन में बाधाएं जैसी समस्याएं। सड़क पर पानी भरने से गाड़ियों की स्पीड कम हो गई है, इससे सड़कों पर जान लग रहा है। तो ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि मध्य प्रदेश के मौसम में हो रहे ये बदलाव न केवल किसानों के लिए जरूरी हैं, बल्कि स्थानीय निवासियों के लिए भी सावधानी बरतने की जरूरत पैदा कर सकते हैं। मौसम के इस बदलाव का लोगों पर असर जरूर पड़ेगा। आपको ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और रोजाना के मौसम अपडेट्स के लिए जुड़े रहे लोकल के साथ।